बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो चलते हैं ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो व्यूअर्स ये देखें, इस तरह की जो टिप नंबर वन है मेरा, इस तरह की जो हमारी बुक्स होती हैं, जैसा कि देखना बच्चे बैठ के पढ़े होते हैं, तो बच्चों को जो है ना बार बार उनके पेजेस जो हैं इधर के उधर होते हैं, तो बार बार उनको डिस्टर्बेंस होती है। आपने करना क्या है, क्लॉथ क्लिप आपने ले लेनी है जो हर घर में मौजूद होती हैं, आप कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दो क्लॉथ क्लिप आपने ले लेनी है, इस तरह आपने दोनों साइडों पे ऊपर नीचे लगा देनी है। और कभी भी जो है वो बच्चों के जो पेज इधर के उधर नहीं होंगे, बच्चे बार बार कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मैं इस तरह के मोबाइल के हवाले से, कि मोबाइल जो है अक्सर हम बच्चों को देते हैं तो बच्चे जो है हाथ में पकड़ के बैठ जाते हैं। हाथ में नहीं पकड़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी जो शुआएँ जो हैं बहुत जो ख़तरनाक होती हैं। आपने करना क्या है, दो क्लॉथ क्लिप ले लेनी है, और ये देखें कितना ज़बरदस्त मोबाइल का स्टैंड बना के आपको दिखाया है। ये देखें, किसी भी हमवार जगह पर आपने इस तरह जो है बच्चों को लगा के दे देना, और आराम से बच्चे जो है वो देखें, और उनको कभी भी नज़र कमज़ोर नहीं होगी, कभी भी उनको जो है वो किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपनी किचन में भी कोई काम कर रहे हैं तो रेसिपी में देखनी हो तो आप इस तरह किचन की सेल्फ के ऊपर भी लगा के रख सकते हैं, ये बहुत अच्छा स्टैंड बन के रेडी हो गया। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरा इस तरह की रोटी वाले डब्बे के हवाले से। अक्सर जो है हम इस तरह रोटियां रखते हैं, गर्मी का मौसम है तो जल्दी से नमी आ जाती है, भाप की वजह से जो हमारी रोटियां जो है वो नीचे वाली गल जाती हैं, उनको खाने को दिल नहीं करता। आपने करना क्या है, आपकी रोटी कभी भी ख़राब नहीं होगी। ये देखें, आपने करना क्या, क्लॉथ क्लिप ले लेनी है, जितनी भी हैं वो सारी आपने इसके अंदर डाल देनी है। ये मैं चार इसके अंदर डाल रही हूँ, और फिर आपने रोटी का रुमाल जो है वो इसके ऊपर रखना है, और फिर रोटियाँ रखनी है। आपकी कभी भी जो है वो नीचे वाली रोटी है कभी भी ख़राब नहीं होगी, कभी भी गलेगी नहीं, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं आएगी। है तो छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूज़फुल है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरह। नेक्स्ट टिप है इस तरह के मेरे जो शीशे वाले बर्तन होते हैं, इस तरह के हम उनको शीशे की तरह कैसे चमका सकते हैं। इसके ऊपर देखें कितने दाग धब्बे हैं, हालांकि इनको मैं साफ़ करती रहती हूँ, और ये देखें कितने स्क्रैचेज आए हुए हैं। आपने करना क्या है, आपने एक गिलास जो है पानी ले लेना, ताज़ा पानी लेना आपने, उसके अंदर आपने थोड़ा सा जो है वो लेमन मैक्स डाल देना, कोई सा भी डिश वॉश लिक्विड है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना। नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर आपने डालना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने चम्मच भर के डाल देना है। इसके बाद आपने लास्ट में इसके अंदर चीज़ ऐड करनी है, वाइट वाला टूथपेस्ट आपने ऐड करना है तकरीबन एक चम्मच। कोशिश कीजिएगा वाइट वाला टूथपेस्ट आपने इस्तेमाल करना है, इस सफाई में बहुत जो है वो कारगर साबित होता है। थोड़ा सा सर्फ आपने तकरीबन हाफ चम्मच आपने लास्ट में सर्फ ऐड कर देना है, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। तो जो जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अच्छे अच्छे कॉमेंट करके जाइएगा। अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया, और ये देखें कितनी ज़बरदस्त जो है वो झाग बन के रेडी हो गई है। ये देखें, आपने अपने जो जितने शीशे के बर्तन, आप खुले बर्तन में जो पानी ले लेंगे, मैंने बॉल के अंदर पानी लिया है, जितने आपके शीशे के बर्तन जिनके ऊपर स्क्रैचेज आए हुए हैं, जितने दाग धब्बे आए हुए हैं, इस तरह आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए इनको अच्छे तरीके से भगो देना इनके अंदर। और ये देखें, आधे घंटे के लिए मैंने छोड़ा था, मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने लंबी वीडियो नहीं की, मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ा। ये देखें अच्छे तरीके से मैंने वॉश करके चेक करवाया, ये देखें मैं बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी आपके जो है, अब जितने शीशे के बर्तन और शीशे की तरह चमक जाएंगे। आप इनमें शाइन चेक करें कितनी, किस कदर शाइन आ गई, जितने भी दाग धब्बे थे, धूल मिट्टी थी, वो सारी साफ़ होगी, और ये देखें कितने ज़बरदस्त हो गए हैं। नेक्स्ट टिप है मेरा इस तरह के स्पंज के वाले से। स्पंज मैंने यूज़ किया था तो मेरे पास गीला पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा आपसे छोटा सा जो टिप शेयर करूँ। ये देखें, अक्सर जो हम इस तरह के स्पंज जो है वो घर में लेके आते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो स्पंज जो है वो गीला होने की वजह से इनमें बदबू आना शुरू हो जाती है। आपने करना क्या है, दो क्लॉथ क्लिप ले लेनी है, जब भी आप स्पंज यूज़ करना है तो आपने अच्छे तरीके से वॉश करके, ये देखें दो क्लॉथ क्लिप आपने इसको लगा देनी है, और ये देखें जितना भी इसके अंदर पानी होगा सारा निकल जाएगा। आपने किसी बर्तन के अंदर आपने ये काम करना है, ये देखें जितना भी इसके अंदर पानी होगा वो लेसदार पानी है, झाग वाला पानी है जो है वो निकल जाएगा, और ये देखें कभी भी इसमें स्मेल जो है वो पैदा नहीं होगी। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरह। नेक्स्ट टिप है मेरा इस तरह के तवे के हवाले से, कि तवे जो है जिसके हम ऊपर रोटियां बनाते हैं, जैसा कि देखें ना गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में काकरोचेस, छिपकलियाँ जो है वो, इस तरह के चूहे वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है बाहर निकल आती है अपनी सुराखों से, तो वो अक्सर जो है इनके रोटियां बना के हमने जब इसको रखते हैं तो इनके ऊपर जो है वो मुंह मारते रहते हैं, जहरीले कीड़े हो गए या छिपकलियाँ हो गई, काकरोचेज़ हो गए, इनके ऊपर मुंह मारते रहते हैं। आपने करना क्या है, कोई सा भी शॉपर जो है जो इसके पूरा आता हो, आपने इसके ऊपर
चढ़ा देना और अच्छे तरीके से गिरा लगा देनी है, और फिर अपने चूल्हे के ऊपर रख लें या किसी भी काउंटर के ऊपर रख लें। देखें कभी भी आपके जो है वो कोई आपको बार बार तवा नहीं धोना पड़ेगा, और कभी भी जो है वो आपके जहरीली चीज़ आपके तवे को मुँह नहीं मारेगी। तो है ना मज़ेदार सी टिप। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरे इस तरह के पाउच के वाले से, इस तरह के पाउच जो हम अक्सर घर में यूज़ करते हैं, खवातीन लड़कियाँ यूज़ करती हैं, तो बार बार जो इनकी अक्सर जो है वो ज़िपें ख़राब हो जाती हैं। ये देखें आप, ये जो मेरे पर्स की ज़िप है वो अक्सर अटक जाती है। तो मैं छोटा सा टिप इस्तेमाल करती हूँ, है तो बहुत यूज़फुल है, ये छोटा सा टिप है लेकिन बहुत यूज़फुल है, ज़रूर ट्राई करें आप। आपको बाज़ार से बार बार नए जो है वो पाउच लाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आपने करना क्या है, मोमबत्ती ले लेनी है। ये देखें मोमबत्ती आपने इसको इस तरह पकड़ लेना, और मोमबत्ती आहिस्ता आहिस्ता से अपने ज़िप वाले हिस्से के ऊपर आपने आहिस्ता आहिस्ता से रगड़नी है, आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर रब करना है। ये देखें सारी ज़िप के ऊपर, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है, ये ज़िप को सॉफ्ट कर देती है, और कभी भी आपकी ज़िप जो है वो बार बार अटकेगी नहीं। अभी मैं आपके सामने लाइव रिज़ल्ट शेयर करती हूँ, देखें मेरी ज़िप किस कदर जो है वो किस हद तक ठीक हो गई है। देखिए बिल्कुल भी नहीं अटक रही, मैं बार बार इसको तेज़ी से खोल रही हूँ। देखें जितना भी इसके अंदर खुरदरापन था वो सारा ख़त्म हो गया, और ये बिल्कुल नरम मुलायम हो गई है, और ये बिल्कुल भी नहीं अटक रही। इस तरह आप जो अपने घर में इनको ठीक कर सकते हैं। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ।